हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पार्ट 5 और आज हम डील करेंगे ई वेस्ट से और सॉलिड वेस्ट से, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग वाइश आईएस को सब्सक्राइब कीजिए, वाइश कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि आगे भी ये वीडियोज़ आपको फ्रीली अवेलेबल हो, राइट। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो, नई वीडियोज़ आप देख सकें, और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर कीजिए और फीडबैक कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। वेल, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर, राइट। तो पहला है ई वेस्ट। तो यहाँ पे ई वेस्ट से डील किया गया, क्या है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन, द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ख़त्म हो गए, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब जो ख़राब हो चुके हैं, ख़राब वॉशिंग मशीन, ख़राब फ्रिज, ख़राब टीवी, ख़राब कंप्यूटर का मॉनिटर, इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो कि ख़राब हो गए हैं, अब नहीं काम कर रहे हैं, और उसमें क्या आ सकते हैं, कंप्यूटर्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT में काम आते हैं, होम अप्लायंसेस जैसे ओवन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फिर रेडियो ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट्स, राइट, टीवी, ये सब जिसमें आ जाता है, और इसी तरह के जो और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और जो कि फंक्शन नहीं कर रही हैं, वेस्ट हो गई हैं, उसे ई वेस्ट कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई अभी तक, ई वेस्ट होता क्या है, राइट। फिर देखते हैं, ई वेस्ट ऐसे तो हजार्डस नहीं होता, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता अगर उसे ढंग से स्टोर किया जा सके, उसे रिसाइकल किया जाए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके, राइट, और एक ऐसे साइंटिफिक मेथड यूज़ करके उसे ऐसे जगह पे रखा जाए जहाँ पे मतलब उसे रिसाइकल किया जा सके, जैसे फॉर्मल सेक्टर में, राइट। तो वो किसी तरह से हार्मफुल नहीं है, किसी तरह से वो ख़राब इफ़ेक्ट नहीं डालता है, लेकिन अगर उसी ई वेस्ट को इस तरह से प्रिमिटिव, मतलब बहुत ही छोटी तरह से, जैसे कि जिसमें साइंटिफिक कुछ नहीं है, राइट, इस तरह से, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ट्यूबलाइट्स को तोड़ देते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब्स, राइट, जो टीवी में पुरानी टीवीज़ में आती थी उसे मैन्युअली तोड़ते हैं, तो उसमें बहुत कुछ जो कंटेंट होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जैसे लेड बैटरीज होती हैं, राइट, तो उसे इसी तरह से छोड़ दिया जाता है, तो फिर जो उसमें केमिकल्स होते हैं और भी बहुत तरह के जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आगे जाके फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, राइट। फिर देखते हैं इसके सोर्सेज क्या है, और उन जो सोर्सेज हैं उनका हेल्थ पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहले जो कंपोनेंट है इन ई वेस्ट का, वो होता है लेड, राइट, जैसे मैंने लेड बैटरीज़ की बात की थी। फिर देखते हैं इसका सोर्स क्या है, लेड आता कहाँ से है। तो ये यूज़ होता है ग्लास पैनल्स में, और जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसमें गैस्केट होता है, राइट, उसमें भी ये यूज़ होता है, और सोल्डर इन जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसमें ये सोल्डरिंग का काम किया जाता है लेड को यूज़ करके, राइट, और इसी तरह के जो अदर कंपोनेंट्स हैं उसमें इसका यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल होता है। अब लेड से हेल्थ पर इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं देखते हैं। तो लेड क्या करता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसे डैमेज और कंट्रोल कर सकता है, ब्लड सिस्टम्स को ख़राब कर सकता है, उसे डैमेज कंट्रोल कर सकता है, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो ह्यूमंस में, उसे भी ये डैमेज कर सकता है लेड, राइट, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर ऑल्सो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, राइट, एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता होगा जिसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं, राइट, तो एंडोक्राइन सिस्टम उसे भी इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को में कमी लाता है, राइट, उसमें बाधा कर सकता है, जो बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें रुकावट ला सकता है, और उससे क्या होता है, लेड टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट, ये जमा होता ही रहता है, राइट, तो इससे जो छोटे एक्यूट, मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था एक्यूट और क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, एक्यूट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट, तो इससे एक्यूट छोटे टाइम में भी और लंबे टाइम में भी इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो इससे बिल्कुल एक्सपोज नहीं होना चाहिए, उसके एक्यूट इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, प्लांट्स पे भी इसके इफ़ेक्ट पड़ता है, एनिमल्स पे भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी, ना कि सिर्फ जस्ट ह्यूमंस पे, राइट, तो पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट पे। फिर देखते हैं दूसरा कंपोनेंट, वो है कैडमियम। कैडमियम कहाँ पाया जाता है, SMD चिप में, चिप रेजिस्टर्स में, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में, हम इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आजकल देखते ही आए हैं, जो कोविड होता है, फीवर डिटेक्ट करने के काम आता है, राइट,
उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सम ओल्डर कैथोड रे ट्यूब्स. कैथोड रे ट्यूब्स जो कि पुराने टीवीज में पाए जाते थे, राइट, उसमें कैडमियम होता है. फिर टॉक्सिक कैडमियम कंपाउंड्स एक्यूमुलेट, राइट, तो जो टॉक्सिक कैडमियम होता है वो बॉडी में जमा होते रहता है, स्पेशली ये किडनी को डैमेज करता है, राइट. फिर देखते हैं मर्क्यूरी. मर्क्यूरी 22% जो ईयरली कंजम्पशन है, तो ये देखा गया है हर साल जो वर्ल्ड का जो कंजम्पशन होता है उसमें जो 22% जो मर्क्यूरी होता है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ही पाया जाता है, राइट, उसी में यूज़ होता है. फिर जो मर्क्यूरी है उससे ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन, राइट, ब्रेन, किडनीज और जो फीटस है, जैसे कि जो जो गर्भ में बच्चा है, शिशु है, राइट, तो उसकी डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है. और उससे जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पेट में बच्चे होते हैं, फीटस जिसे कहते हैं, वो इससे हाईली वल्नरेबल होते हैं, ठीक है. अगर उसे मर्क्यूरी का एक्सपोजर हो गया तो बच्चे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. फिर देखते हैं मर्क्यूरी को और भी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि थर्मोस्टैट. जब हम थर्मोमीटर से सब देखते हैं उसमें थर्मोस्टैट्स में भी यूज़ किया जाता है, सेंसर्स में यूज़ किया जाता है, रिलेज, स्विच हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स में मर्क्यूरी का यूज़ होता है, लैंप्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, बैटरीज में मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है. और मर्क्यूरी को फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में यूज़ किया जाता है. और इस वजह से क्या है, इसकी यूज़ और बढ़ गई है, क्योंकि अब जो पुराने टीवीज आते थे जो कैथोड रे ट्यूब्स के होते थे वो अब बंद हो चुके हैं, और फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोटो आ रहे, LCDs आते हैं, तो उसमें भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है. और मर्क्यूरी का इसी तरह से जो कंजम्पशन है वो आगे जाके बढ़ता रहेगा. फिर अब उसके और हेल्थ इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं. जब इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी स्प्रेड होता है पानी में, ये क्या करता है, ये मिथाइलेटेड मर्क्यूरी बन जाता है, और ये इसीलिए ये और भी टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि ये बायो एक्यूमुलेट होता है. और बायो एक्यूमुलेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया था. तो क्योंकि ये बायो एक्यूमुलेट होता है इसलिए ये हाईली टॉक्सिक हो जाता है, और उससे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ये पहुँचता रहता है, राइट. फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये एक्यूमुलेट होता है किस किस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये खाने फूड चेन में इसी तरह से ये आगे जाके बढ़ता रहता है, राइट, स्पेशली फिश के थ्रू, ओके. फिर आगे देखते हैं हेक्सावेलेंट क्रोमियम, राइट, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, ये याद रखिए, 6, हेक्सावेलेंट क्रोमियम 6, तो क्रोमियम 6, राइट, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, इसे ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है करोजन प्रोटेक्टर ऑफ अनट्रीटेड गैल्वेनाइज स्टील प्लांट्स, ठीक है. तो जो जहाँ पे गैल्वेनाइज स्टील प्लांट्स होते हैं, राइट, अनट्रीटेड, वहाँ पे क्रोमियम सिक्स का इस्तेमाल होता है, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम का, एज अ डेकोरेटिव और हार्डनर, राइट. तो जो स्टील में जो हार्डनर, जो गैल्वेनाइज स्टील में हार्डनर का काम करता है वो उसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम का इस्तेमाल होता है. उससे क्या होता है, डाइऑक्सिन रिलीज होता है. डाइऑक्सिन जो जैसे PVC कहते हैं, ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, इसके बर्निंग से, इसे जलाने से डाइऑक्सिन निकलता है. तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जहाँ यूज़ होता है उसमें मोस्टली 26% इलेक्ट्रॉनिक्स में PVC ही पाया गया है, राइट. तो प्लास्टिक में से भी जो PVC है वो उसका 26% कॉन्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स. तो जो PVC एलिमेंट्स होते हैं वो केबलिंग में पाए जाते हैं, कंप्यूटर हाउसिंग में पाए जाते हैं, कंप्यूटर में पाए जाते हैं, घर में भी बहुत सारी चीज़ें PVC की बनी होती है, जैसे PVC के पाइप्स बनी होती हैं, राइट. उसके बाद कंप्यूटर मोल्डिंग्स भी समवॉट अब ABS प्लास्टिक के बन रहे हैं, राइट. फिर देखते हैं जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है ये क्या करता है, ये DNA, राइट, DNA में काफ़ी ज़्यादा को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए हाईली टॉक्सिक होता है. मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगी, उस मूवी का नाम है एरिन ब्रकोविच, अगर आप देख सके तो देखिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जिसके पास है, राइट. तो उस मूवी में इसके बारे में दिखाया गया कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम की वजह से एक जगह होता है, वहाँ के लोगों को, काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को भी इस वजह से कैंसर आने लगता है. तो फिर किस तरह से, यू नो, वो पूरी स्टोरी है इसी बारे में, जिस हेक्सावेलेंट क्रोमियम, तो फ्री टाइम में आप देख सकते हैं, राइट. फिर देखते हैं बेरिलियम. बेरिलियम मोस्टली कहाँ पाया जाता है, मदरबोर्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है, मदरबोर्ड्स और फिंगर क्लिप्स पे, राइट. और
इसे एक कॉपर बेरिलियम अलॉय, अब जैसे दो दो कोई मेटल हैं राइट, तो उसका एक होमोजेनस मिक्सचर में जब बनता है तो उसे अलॉय कहते हैं राइट। ये साइंस में आपने पढ़ा होगा, फिर भी रिवाइज के रिवीजन के लिए अच्छा होगा। तो दो मेटल्स को मिलाकर, दो ही नहीं और भी मेटल्स का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसे अलॉय कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर और बेरिलियम का जो मिक्सचर है राइट, अलॉय है, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए और टाइनिंग प्लग्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे बेरिलियम का इस्तेमाल होता है। अब बेरिलियम के वजह से हेल्थ पर बुरे असर क्या पड़ते हैं, तो अगर बेरिलियम से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है कि एक्सपोजर के वजह से क्या होता है, लंग कैंसर हो सकता है। बेरिलियम की वजह से स्किन डिसीजेज आ सकती हैं राइट, और उसमें क्या होता है, उन स्किन डिसीजेज में क्या क्या होता है, जो घाव है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होते राइट। उसके बाद ये बम्प्स बनने लग जाते हैं, और स्टडीज़ ने ऐसा भी दिखाया है कि जो बेरिलियम डिसीजेस होते हैं वो काफ़ी साल तक रहते हैं राइट, एक्सपोजर के काफ़ी साल के बाद भी रहते हैं। फिर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स राइट, ये देखिए ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, अब ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, सोर्स कहाँ है इसके पोल्यूशन का, ये प्लास्टिक हाउसिंग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में पाए जाते हैं, सर्किट बोर्ड्स में भी पे भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लेमेबिलिटी को रोकते हैं, ये आग इसे जलने से रोकते हैं, आग लग जाए तो उसे उस आग को फैलने से ये रोकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेम रिटार्डेंट कहा गया है राइट। लेकिन ये भी एक पॉल्यूटेंट है। फिर देखते हैं बेरियम, बेरियम क्या है, एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट कलर का मेटल होता है राइट, इसे CRT कैथोड रे ट्यूब में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के जो फ्रंट पैनल में राइट, इसे यूज़ किया जाता है ताकि वो रेडिएशन से बचाए आँखों को। फिर स्टडीज़ में ये पाया गया है जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है बेरियम से, उससे ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन में सूजन हो सकती है, दिमाग में सूजन हो सकती है, मसल वीक हो सकते हैं, और हार्ट और लिवर और स्प्लीन ये भी डैमेज हो सकते हैं राइट। फिर देखते हैं टोनर्स पाए जाते हैं, प्लास्टिक प्रिंटर कार्ट्रिज राइट, जो कार्ट्रिज होता है जो प्रिंटर में पाया जाता है उसमें इस टोनर का इस्तेमाल होता है। तो इन्हेलेशन इज़ द प्राइमरी एक्सपोजर पाथवे, तो इसे इन्हेलेशन है तो सांस के थ्रू ही ये मोस्टली अंदर जाते हैं ज़्यादातर ठीक है। तो एक्यूट एक्सपोजर, एक्यूट मैंने बताया था थोड़े टाइम के लिए जो एक्सपोजर होता है उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो सांस की नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। कार्बन ब्लैक राइट, कार्बन ब्लैक यूज़ होता है तो वो कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग होता है, उससे कैंसर हो सकता है, वो क्लास 2B में उसे कैटेगराइज या फिर क्लासिफाई किया गया है। कार्सिनोजन मतलब ये होता है जो भी ऐसा कुछ भी चीज़ जो जिससे कैंसर हो सकता है, इसलिए उसे कैंसर कार्सिनोजन कहा गया है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है जो कलर टोनर्स होते हैं जैसे कि सैन और मेजेंटा और येलो, इनमें बहुत उनमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं राइट, जो हैवी मेटल्स भी काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और हाईली प्रॉब्लमेटिक होते हैं राइट, हार्मफुल होते हैं। फिर देखते हैं फॉस्फर एंड एडिटिव्स, अब फॉस्फर क्या है, फॉस्फर इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल राइट, इतने ये इनऑर्गेनिक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है, इसे कोट के लिए, कोट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द CRT प्लेट, जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसकी जो प्लेट होती है, फेस प्लेट होती है, उस पर कोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फर और उसके एडिटिव्स को राइट। तो जो फॉस्फर कोटिंग होता है जो CRT में, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि कैडमियम, अब कैडमियम के बारे में हमने देख लिया था कुछ स्लाइड्स पहले, फिर रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक, वेनेडियम, इस तरह के इसके एडिटिव्स होते हैं जो फॉस्फर के एडिटिव्स होते हैं। दीज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर वेरी टॉक्सिक, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनसे सीरियस हजार्ड हो सकते हैं राइट, और स्पेशली जो लोग जो CRT होते हैं कैथोड रे ट्यूब्स को हाथ से डिसमेंटल करते हैं, हाथ से तोड़ते हैं राइट, उन्हें डिस्पोज करते हैं, वो इससे एक्सपोज होते हैं और उन पर काफ़ी इसके बुरे असर पड़ते हैं इस एक्सपोजर के वजह से राइट। अब देखते हैं ई वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में ई वेस्ट का क्या हाल है, तो जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 है उसके हिसाब से 17 लाख टन्स ठीक है, तो 17 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया गया था 2014 में हमारी कंट्री में, और स्टेट वाइज कोई इस तरह के मतलब कुछ भी इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए कि वेस्ट जनरेशन कम कर सके या फिर एक जगह में उसे कर सके, कुछ उसे रेगुलराइज कर सके, जो चल रहा है बस चल ही रहा है राइट। तो इंडिया में अमंग जो टॉप 10 सिटीज़ हैं जैसे कि
मुंबई, मुंबई सबसे पहला आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है, उसके बाद दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और फिर नागपुर। ये टॉप 10 सिटीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। तो ये जो 65 सिटीज़ हैं ये बाकी 65 सिटीज़ 60% वेस्ट ई वेस्ट जनरेट करते हैं, लेकिन ये जो टेन स्टेट्स हैं ये 70% टोटल ई वेस्ट जनरेट करते हैं, राइट। तो ये अर्बनाइजेशन का ही एक तरह से होगा, जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर्स, ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा गैजेट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ई वेस्ट बनता है, और ये ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे अर्बन एरियाज़ ज़्यादा है, अर्बन सेटअप ज़्यादा है, वहाँ पे ये होता है। सो आगे देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द ई वेस्ट होता है वो उसे रिसाइकल भी किया जाता है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज यूनिट्स में होता है, और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मैन पावर का इस्तेमाल होता है। रिकवरी ऑफ मेटल्स बाय प्रिमिटिव मेथड इज़ अ मोस्ट हजार्डस एक्ट। तो जैसे प्रिमिटिव, ऐसा बिना सोचे समझे कुछ भी किसी भी तरह से, पुरानी तरह से, जैसे कुछ लोग जला देते हैं, इस तरह के जो अनसाइंटिफिक मेथड से अगर उसे डिस्पोज किया जाए, राइट, उसे रिसाइकल किया जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो उसके लिए एक स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, उसे किस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए, फिर उसी तरह से गाइडलाइंस बनने चाहिए कि ताकि एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर इस वेस्ट को रिसाइकल किया जाए, या फिर इस वेस्ट को, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, राइट। फिर देखते हैं द रिसाइकलिंग प्रोसेस। अगर ढंग तरह से जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो अगर वो ढंग से मतलब साइंटिफिक मैनर में, या फिर एक सूझबूझ से ना किया जाए, तो क्या होता है, उससे जो लोग, जो ह्यूमन बीइंग्स उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ रहे हैं, जैसे उसे उन ऐसे गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं इन्हीं गैसेस के आसपास, राइट, रिसाइकलिंग के टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किन विद हजार्डस सब्सटेंसेस, अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाए, और या फिर ड्यूरिंग एसिड ट्रीटमेंट और रिकवरी के टाइम, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक ऐसा अप्रोच लिया जाए साइंटिफिक मैनर में कि उससे जो लोग हैं हेल्थ हजार्ड्स हैं, हाँ, राइट, वो बचाए जा सके, उनसे उन्हें बचाया जा सके। फिर देखते हैं प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस। तो जो अभी चल रहा है इसे अवेयरनेस का ही पार्ट मानिए, जब मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, मतलब आपको समझा रही हूँ, आपके साथ मैं भी समझ रही हूँ, तो हमें एक तरह से अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। तो प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है, राइट। और इम्पॉर्टेंटली ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और यूज़ में लाई जा सके, प्रैक्टिकल हो, राइट, उसे प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है। तो जिससे कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें ढंग की अर्निंग हो सके इससे, और उन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी ना आए, स्पेशली जो इसे डिस्पोज करते हैं, राइट, जो इसे रिसाइकल, ये सब उन एम्प्लॉयमेंट्स में वो ऑक्यूपाइड है। फिर देखते हैं अ होलिस्टिक अप्रोच। एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है क्योंकि ये जो इंडिया है ये एक बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है ई वेस्ट मैनेजमेंट का, राइट। तो एक सूटेबल मैकेनिज़्म, एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जिससे कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, और लार्ज यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उन्हें एक सिंगल वैल्यू चेन में लाया जा सके, एक पूरी तरह से एक सेक्टर बनाया जा सके जहाँ पे ई वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता हो, राइट। फिर देखते हैं सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है एग्जैक्टली, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो ऐसे वेस्ट, राइट, जो कि डिस्कार्डेड है, मतलब जिन्हें कचरा समझ के फेंक दिया जाता है, डिस्कार्डेड मतलब रख दिया जाता है साइड में, तो गार्बेज लाइक, तो वो गार्बेज हो सकता है, रिफ्यूज हो सकता है, स्लज निकलता है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें से जो स्लज निकलता है वो भी सॉलिड वेस्ट में आता है, उससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़, राइट, और डिस्कार्डेड मटीरियल्स जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, जिसमें और गैसेस मटेरियल जो निकलते हैं कहाँ कहाँ से, इंडस्ट्रीज से, राइट, यहाँ पे दिया गया है इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल, माइनिंग और एग्रीकल्चर ऑपरेशन और कम्युनिटी एक्टिविटीज़, राइट। सो इनमें से जो वेस्ट निकलता है वो किसी भी फॉर्म में सेमी सॉलिड, ये सब, तो उसे सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। मगर इसमें कौन सा क्या इंक्लूडेड नहीं है, सॉलिड और डिजॉल्व्ड मटीरियल्स इन डोमेस्टिक सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज में जो सॉलिड है और डिजॉल्व मटीरियल है वो इसमें नहीं आता है, राइट। फिर सॉलिड और डिजॉल्व मटीरियल्स इन इरिगेशन रिटर्न फ्लोज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस होते हैं
और जो इरिगेशन, जैसे जब सिंचाई के टाइम जो डिजॉल्व मटेरियल्स निकल जाते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वाटर पोल्यूशन में इंक्लूडेड है। फिर देखते हैं सोर्सेज क्या हैं इन इस वेस्ट प्लास्टिक के जनरेशन के, क्या सोर्सेज हैं। पहला है हाउस होल्ड, जो घर से हम कचरा फेंकते हैं, अगर किसी का टीवी ख़राब हो गया किसी की, या फिर छोटे बेटे कोई गैजेट ख़राब हो गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो उसे इसी तरह से फेंक दिया जाता है। फिर हेल्थ केयर और मेडिसिन, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह का टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है। फिर होटल और केटरिंग, राइट, और उसके बाद एयर और रेल ट्रैवल, राइट। फिर हम इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो जो लैंड, द लैंड गेट्स लिटर बाय प्लास्टिक बैग गार्बेज एंड बिकम्स अगली एंड अनहाइजीनिक, राइट। तो जो लैंड होता है वो काफ़ी, वहाँ पे हम देखते हैं लोग प्लास्टिक बैग्स को इसी तरह से कचरा समझकर फेंक देते हैं, और वो आगे जाके हमारे आसपास रोड है यहाँ पे दिखता रहता है, राइट। और जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स होता है वो भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स उसके वजह से काफ़ी कॉज होते हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों में, राइट। फिर देखते हैं, और देखिए कुछ टाइम पहले एक ऐसी स्टडी आई थी कि आउट ऑफ आई थिंक इंडिया में, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आउट ऑफ टेन प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है राइट ह्यूमन बेबीज़ के साथ होता है, उसमें 8 प्लेसेंटाज में से प्लास्टिक पाया गया था। इवन प्लेसेंटा के लेवल में भी प्लास्टिक आजकल जा चुका है, राइट। फिर देखते हैं डायोक्सिन एक बाय प्रोडक्ट है, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं केमिकल्स के, उसमें डायोक्सिन पाया जाता है। और मैंने कुछ स्लाइड्स पहले भी आपको बताया था कि जब बर्निंग ऑफ प्लास्टिक होता है, स्पेशली PVC, उससे डायोक्सिन निकलता है, राइट। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोसेसेस में भी बाय प्रोडक्ट जो होता है डायोक्सिन निकलता है, वो माँ के दूध से बच्चे को, जो बच्चा दूध पी रहा है उसके थ्रू भी वो ट्रैवल करता है, और वो बच्चे तक भी जाता है, और वो बच्चे को भी नुकसान पहुँचाता है, राइट। फिर देखते हैं बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स, राइट, स्पेशली PVC। तो यहाँ पर फिर से ये रिपीट कर रहा है, PVC की बर्निंग की वजह से डायोक्सिन निकलता है, राइट, और फ्यूरन निकलता है, और वो एटमोसफेयर में फैलता है। फिर देखते हैं जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स होते हैं वो राइट फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चर टू द डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो जो प्लास्टिक्स होते हैं, राइट, वो एक तरह से बहुत बड़ा बर्डन है एनवायरनमेंट पे, और उसका डिस्पोजल, उसका मैनेजमेंट वो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, राइट। फिर देखते हैं प्लास्टिक बैग्स कैन ऑल्सो कंटेमिनेट फूड स्टफ्स, ये खाने को भी ख़राब करते हैं, क्यों, लीचिंग के थ्रू, राइट, वो लीचिंग लीच कर जाते हैं, और वो खाने को भी ख़राब करते हैं, उससे पैथोजन्स ये सब भी आ जाते हैं। पैथोजन्स मैंने बताया था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से बीमारियां होती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, राइट, हमने देखा था पिछले पार्ट में। फिर टॉक्सिक डाइज ये सब, राइट। फिर देखते हैं जो इन प्लास्टिक बैग्स का होता है केयरलेस डिस्पोजल, जैसे कि हम देखते हैं लोग कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं, और मोस्टली प्लास्टिक्स में ही फेंकते हैं, तो फिर वो प्लास्टिक बैग आसपास ही घूमते रहता है, राइट। तो ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसके वजह से ढंग से इसे डिस्पोज नहीं किया जाए, तो ड्रेन्स होते हैं, जो नालियाँ ये सब होती हैं वो जाम हो जाती हैं, राइट, चोक हो जाती हैं। फिर उससे क्या होता है, इससे जो सॉइल की जो पोरोसिटी है, मतलब जो मिट्टी में जो पोर्स होते हैं, राइट, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, क्योंकि ऊपर से पानी आता है और वो सॉइल के थ्रू नीचे जाता है, तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी फिर भी नहीं हो पाता है, राइट, क्योंकि पोरोसिटी कम हो जाती है इस प्लास्टिक को ढंग से अगर डिस्पोज ना किया जाए तो, राइट। फिर देखते हैं प्लास्टिक डिस्टर्ब्स सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी, जो प्लास्टिक होता है और सॉइल और उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो एक्टिविटी होती है उसे भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है, राइट। फिर जो टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें तो नहीं पता होता है, जो प्लास्टिक गार्बेज होते हैं, जो हम देखते हैं बीचेस ये सब में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, राइट, और उसे इसी तरह से फेंक दिया जाता है। तो जो एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जैसे इवन टेरिस्ट्रियल एरिया में भी, वहाँ पर भी गाय जा रही है,
वो प्लास्टिक को भी खा जाती है। और हमने देखा है कितने सारे जो गाय हैं उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक रहता है और उसकी वजह से वो मर जाती है, राइट। और उसी तरह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी प्लास्टिक गार्बेज को फूड आइटम समझते हैं, उसे खाते हैं और वो मर जाते हैं, राइट। ये तो बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। फिर देखते हैं जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिटीरिएट करता है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे पोरोसिटी को भी इफ़ेक्ट करता है नेगेटिवली यहाँ, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये ख़राब करता है। उससे क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड्स होती हैं, क्रॉप की यील्ड होती है वो नहीं हो पाती है, एज़ इट फॉर्म पार्ट ऑफ मैन्योर एंड रिमेंस इन द सॉइल। जो हम उस पर खाद डालते हैं कभी कभी उसका पार्ट भी बन जाता है, क्योंकि ढंग से डिस्पोज नहीं किया गया होता है इसको, ढंग से कंपोस्ट होता नहीं है, तो ये मैन्योर खाद का पार्ट बन जाता है और वो सॉइल में रह जाता है काफ़ी काफ़ी साल तक, और उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो घटने लग जाती है, ख़राब होने लगती है। फिर देखते हैं दीज बैग्स फाइंडिंग देयर वे इनटू द सिटी ड्रेनेज सिस्टम रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज, राइट। तो फिर यही चीज़ रिपीट हो रही है, जो प्लास्टिक बैग्स ये सब होता है, प्लास्टिक पहुंच जाता है ड्रेनेज सिस्टम में, जब पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पे भी ये ब्लॉक कर देता है, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। जब अगर नाली कहीं पे ब्लॉक हो गई है तो फिर उसका गंदा पानी कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा, सरफेस पर आएगा, राइट। तो उसके आसपास के लोगों जो वहाँ रह रहे हैं उन लोग के लिए कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाएगी इतनी, अगर कोई नाला ऐसे ख़राब हो गया तो, राइट, अगर ऐसे बंद हो गया तो फिर उसे मेंटेनेंस में भी काफ़ी दिक्कत आती है, वहाँ पे अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट बन जाता है, उस इन्वायरमेंट के वजह से काफ़ी हेल्थ हज़र्ड्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ वहाँ पे होने लग जाती है लोगों को। तो एक इको फ्रेंडली, राइट, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इनका ईजाद करना आज की ज़रूरत है, राइट। इसे नीड ऑफ द आवर बताया गया, इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ऐसे प्लास्टिक जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, राइट। फिर देखते हैं अभी इन सॉलिड वेस्ट के टाइप क्या क्या हैं और इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहला है म्यूनिसिपल वेस्ट, फिर आता है हैजार्डस वेस्ट, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। फिर देखते हैं पहला म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो अब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या आता है, सबसे पहले तो हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर से कचरा निकलता है, फिर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन जहाँ पर होता है उसका जो मलबा होता है वो भी एक सॉलिड वेस्ट है, राइट। फिर सैनिटेशन रेसिड्यू, जो टॉयलेट से सब होते हैं उसमें से जो ख़राब चीज़ें निकलती हैं, राइट। और फिर जो स्ट्रीट है, हमारी गलियों में जो कचरा पड़ा होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर अर्बनाइजेशन क्योंकि बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, पैकेजिंग ये सब लोग सारा हर चीज़ प्लास्टिक में पैक्ड होता है, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन 1947, राइट, तो उसमें क्या तब क्या था, जो सिटीज़ थे वो एस्टिमेटेड 6 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट करते थे और वो 1997 में जाके 48 मिलियन टन्स हो गया, जो कि और क्या होता है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें से जो 25% होता है उसे कलेक्ट ही नहीं किया जाता है, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जो 70% इंडियन सिटीज़ हैं उनमें ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है जिसे इसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, और वहाँ पे ऐसे कोई सैनिटरी लैंडफिल्स नहीं है जिससे कि इस वेस्ट को डिस्पोज किया जा सके, राइट। ऐसी कोई वहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं है। ये सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये एक तरीका होता है इस वेस्ट को मैनेज करने का, इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का, राइट। तो 70% सिटीज़ इंडियन सिटीज़ में ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग लैंडफिल्स है वो इतने इस तरह से इक्विप्ड नहीं है, इस तरह से सक्षम नहीं है और उसे ढंग से प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता, राइट। जस्ट कुछ भी बना दिया हुआ है वहाँ पे, उसे कोई देखता नहीं है, जस्ट डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, राइट। फिर उसके वजह से क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, क्या देख उसको कोई नहीं देखता। फिर देखते हैं लाइन प्रॉपरली टू अगेंस्ट कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, उसके वजह से जो वहाँ की सॉइल होती है और ग्राउंड वाटर होती है वो ख़राब होने लग जाती है, राइट, थ्रू लीचिंग। जब रेनी वाटर आता है तो उसमें से गंदगी से टॉक्सिन्स निकलते हैं और वो आसपास के सॉइल और ग्राउंड वाटर को ख़राब करते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंज्यूमर मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली, राइट। ये अर्बनाइजेशन के वजह से कंज्यूमर मार्केट आजकल सिर्फ अर्बन सिटीज़ में नहीं, हर जगह कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कैंस में, एल्यूमिनियम फॉइल्स में, प्लास्टिक्स में, इनमें कवर किया जाता है, जो कि
नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं और उस वजह से इस तरह के मतलब इस तरह के नुकसान पहुंच रहे हैं एनवायरनमेंट को, जिसे हम गिन भी नहीं सकते, इनकैलकुलेबल, हम गिन भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को। फिर देखते हैं हजार्डस वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसे हजार्डस वेस्ट में कैटेगराइज किया गया है, राइट। तो इसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, हजार्डस वेस्ट काफ़ी हाईली टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, इवन प्लांट्स के लिए, वो काफ़ी करोजिव होते हैं, राइट, और हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब वो उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है और वो एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं, राइट। इसीलिए हैंड सैनिटाइज़र इसका एक अच्छा एग्जांपल है, उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन अगर उसके वो काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है, ये काफ़ी लोग को पता नहीं होता है और उसे यू नो इस तरह से डिस्पोज करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं डिस्पोज करना चाहिए, राइट। फिर देखते हैं, इंडिया जनरेट्स 7 मिलियन टन्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एवरी ईयर। ये देखिए 7 मिलियन टन्स इंडिया हर साल हजार्डस वेस्ट को जनरेट करता है, जो कि इतना हार्मफुल है और ये इतनी बड़ी मात्रा में जनरेट हो रहा है, और मोस्ट ऑफ विच कहाँ पे है ये कॉन्सेंट्रेट, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये फोर स्टेट्स में पाया जाता है। पहला है आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, राइट। फिर देखते हैं जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उनमें भी हजार्डस वेस्ट निकलता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल तो मैंने हैंड सैनिटाइजर का दिया था। फिर ओल्ड बैटरीज, राइट, इसमें लेड, कैडमियम, ये सब होता है। फिर शू पॉलिश, इसमें भी बहुत हजार्डस वेस्ट होते हैं। पेंट टिन्स, पुरानी मेडिसिंस, मेडिसिन की बॉटल्स, राइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनमें हजार्डस वेस्ट होता है, ये हाउस होल्ड से भी हजार्डस वेस्ट निकलते हैं, जिनके बारे में हमें काफ़ी कम पता होता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी ज़्यादा हजार्डस वेस्ट निकलेगा, जैसे कि वहाँ पे मेटल, केमिकल, पेपर, पेस्टिसाइड्स, डाई, रिफाइनिंग, रबर गुड्स इंडस्ट्रीज, तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा हजार्डस वेस्ट का जनरेशन होता है, और डायरेक्ट एक्सपोजर होता है अगर इन केमिकल से, इन हजार्डस वेस्ट से, जैसे कि मर्क्यूरी और साइनाइड, अगर इनसे एक्सपोजर हो गया डायरेक्ट तो उससे इंसान मर भी सकता है, ये फेटल भी हो सकता है। फिर देखते हैं हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट कब जनरेट होता है, जब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, राइट, जब जब जो भी हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर होता है उस ऑपरेशंस के वक्त, जैसे अब किसी की ट्रीटमेंट हो रही है तो इंजेक्शन लगता है, रू कॉटन निकलता है, ये तो ये सब जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है, राइट, उसी के इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। और या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल वेस्ट निकलते हैं, और उसमें बहुत सारे टेस्टिंग बायोलॉजिकल्स होते हैं, राइट, क्योंकि उसमें सैंपल लिया जाता है। फिर देखते हैं इसमें केमिकल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल्स, राइट, इन्हें यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स की तौर पे, इन्हें यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरी को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है, हमने देखा था मर्क्यूरी को कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, मेनली थर्मामीटर्स हो गए तो हॉस्पिटल्स में यहाँ पे पाया जाता है, और ब्लड प्रेशर को जो मेजर करने वाली मशीन होती है उस पर भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है। अब तो खैर डिजिटल हो गया है, फिर भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, राइट। फिर इसमें और भी सॉलिड वेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल्स हो गए, राइट, एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए, फिर एनाटॉमी मतलब कुछ नहीं होता, जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो स्टडी होती है उसे कहते हैं एनाटॉमी, तो उसी तरह का जो वेस्ट होता है, राइट, वो हॉस्पिटल वेस्ट में आता है। कल्चर्स हो गए, बैक्टीरिया कल्चर करना, ये सब, और फिर डिस्कार्डेड मेडिसिंस होते हैं, ऐसी मेडिसिंस जो काम की नहीं है, राइट, तो उनमें भी केमिकल्स होता है, तो वो केमिकल वेस्ट हो गया। फिर इसी तरह से डिस्पोजेबल सिरिंज, स्वाब्स, बैंडेजेस, ब्लड फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट, तो ये सब भी हॉस्पिटल वेस्ट में आते हैं। और ये जो सारे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पेशेंट्स ये सब होते हैं, तो उनका जब वेस्ट किसी जगह फेंका जाएगा तो उससे मरीजों का फेंका जाएगा, या फिर कहीं पे भी वो रहेगा तो वो बाकी लोगों को भी अफेक्ट करेगा, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार लोग हैं जिनका ये सब बॉडी फ्लूइड्स और स्वाब ये सब निकाले जा रहे हैं, राइट, तो अगर उसे ढंग से डिस्पोज नहीं किया जाए तो वही तरह की बीमारियां बाकी लोगों को भी लगेंगी, तो इसीलिए हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, इनसे बचना चाहिए, और ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत सीरियस थ्रेट दे सकते हैं, राइट, अगर इन्हें ढंग से साइंटिफिक में मैनर में इन्हें यूज़ नहीं किया, ढंग से इसे यूज़ नहीं किया, सोच समझ कर इन्हें डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया तो, राइट। और देखा गया, सर्वेज में देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी हेल्थ केयर कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी यानी जो हेल्थ केयर जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरा का पूरा,
राइट, ये जो सिस्टम है इंडिया में वो इस वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, राइट, अपने हॉस्पिटल वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, सेफली कैसे करना है, उस पर उतना अटेंशन नहीं देता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स 1998 की जो नोटिफिकेशन निकली थी उसमें ऐसे कुछ प्रोसेस को जो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, राइट, तो ये प्रोसेस होता है ना वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें कि वेस्ट को पहले सेग्रीगेट किया जाए, वो किस तरह का वेस्ट है, वेस्ट के भी बहुत टाइप्स होते हैं, राइट, तो उसको सेग्रीगेट, उसे अलग अलग करना, छांटना, फिर उसे कलेक्ट करना, फिर उसको ट्रीट करना, ठीक है, उसे इस तरह से ट्रीट करना कि वो कम हार्मफुल हो जाए, या फिर ना हार्मफुल हो, कोशिश होगी, या फिर कम हार्मफुल हो जाए, फिर उससे उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उसे डिस्पोज करना, राइट, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस बनाए गए हैं, राइट, अंडर द नोटिफिकेशन बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट रूल्स 1998। फिर देखते हैं ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। अब ये सॉलिड वेस्ट तो है, अब उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किस तरह से होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत एफिशिएंट मेथड्स हैं, जो जिस तरह से होता है वो बताया गया है। तो पहला देख लेते हैं ओपन डम्प्स, राइट, तो खुली जगह में उन्हें डंप कर दिया जाए। तो ये ओपन डम्प्स ऐसी जगह होती है, अनकवर्ड एरियाज होते हैं, खुली जगह, ओपन से पता चल रहा है, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को, हर तरह के सॉलिड वेस्ट को, राइट, प्लास्टिक, हर तरह का सॉलिड वेस्ट, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स बहुत सारे देखे हैं, उसे डंप कर दिया जाता है, ठीक है, और इसे ट्रीट भी नहीं किया जाता है, इन्हें कवर भी नहीं किया जाता है, और सेग्रीगेट भी नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरत है इसे सेग्रीगेट करना, ट्रीट करना, राइट, तो लेकिन उसे ट्रीट भी नहीं किया जाता और उसे कवर भी नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ, रैट्स, ठीक है, चूहे और इसी तरह के जो और भी कीड़े हैं, ये सब वहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं और उससे बीमारियाँ फैलाते हैं वो, राइट। फिर उससे क्या होता है, उसके बाद वहाँ पे रेन वाटर, वहाँ पे अगर कभी बारिश हो गई तो उस पानी के थ्रू ये जो टॉक्सिन्स हैं ये सब भी बहकर आते हैं, और जो आसपास का लैंड है और जो वाटर एरिया है वहाँ पे ये बीमारियाँ फैलाते हैं। और ट्रीटमेंट बाय ओपन डम्प्स इज़ टू बी फेज्ड आउट, इसे जो ये जो ओपन डम्प्स है ना उसे एक तरह से बंद करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे इसे पूरी तरह से बंद करने की ज़रूरत है, एक साथ तो नहीं हो पाएगा, राइट, तो फिर इसे धीरे धीरे एकदम से हटाने की ज़रूरत है, फेज आउट करने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं लैंडफिल्स, राइट, तो लैंडफिल्स ये मोस्टली अर्बन एरियाज़ के आसपास लोकेटेड होते हैं, ये एक तरह से गड्ढा होता है बहुत बड़ा, जिसे खोद दिया जाता है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे गार्बेज होता है, जो कचरा होता है उसे डंप किया जाता है, फिर उसे बंद किया जाता है, उसके बाद फिर उस पर थोड़ा सा सॉइल डाल दिया जाता है, ताकि उसमें जो मक्खियाँ हैं, मक्खी और रैट्स हैं, ये सब ना बैठ सकें। फिर अगले दिन गार्बेज को और लाया जाता है और उसे कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो ये, जैसे यहाँ पे ये गड्ढा खोद दिया गया है, यहाँ पे गार्बेज डाल दिया और आज इसे कवर कर दिया, यहाँ पे राइट, इसे यहाँ पे कवर कर दिया गया है। फिर अगले दिन फिर से कचरा लेकर आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे और फिर उसके ऊपर इस तरह से कवर कर दिया जाएगा, राइट, तो इस तरह से ये आगे जाके लैंडफिल बढ़ता रहेगा। फिर एक बार फिर क्या होता है, लैंडफिल इस तरह से फुल हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद लैंडफिल फुल हो जाता है, जो एरिया होता है थिक लेयर ऑफ मड, राइट, बहुत ज़्यादा मिट्टी से भर जाता है, ऐसी मिट्टी जो गीली गीली से होती है, राइट, मड, कीचड़, राइट, कीचड़ से भर जाता है, और जो साइट होता है उसके बाद उसे पार्किंग लॉट या किसी पार्क में उसे डेवलप कर किया जा सकता है। तो अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होती है, हर तरह का वेस्ट उन लैंडफिल्स में डंप किया जाता है, तो जो उससे पानी जो सीपेज के थ्रू निकलता है वो कंटैमिनेट कर देता है और आसपास के एरिया को पूरी तरह से पोल्यूट कर देता है। तो जो कंटैमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है एंड सॉइल होता है थ्रू लैंडफिल, इसे लीचिंग कहा जाता है, राइट। फिर अब आते हैं हम लोग सैनिटरी लैंडफिल्स, जिसमें जो लिखा गया था, और ये जो सैनिटरी लैंडफिल्स होता है ये कुछ एक तरह से थोड़ा मेथोडिकल यानी प्रैक्टिकल और समझा गया अच्छी तरह से इसे स्टडी किया गया है, और ये थोड़ा एक हाइजीनिक मेथड होता है ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, राइट, तो इससे जो लीचिंग की प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक उसे सॉल्व किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, इसमें जो मटेरियल है दैट आर इम्परमिएबल, जैसे कि क्ले और प्लास्टिक होते हैं, राइट, आर बिल्ट ओवर अ इम्परमिएबल सॉइल।
तो प्ले और सॉरी प्लास्टिक्स और क्ले को इम्परमेबल सॉइल, ऐसा सॉइल जिसकी पोरोसिटी नहीं होती, उस पर इसे रखा जाता है। और फिर लेकिन जो ये जो सैनिटरी लैंडफिल्स है, इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए बहुत कम सिटीज़ में सैनिटरी लैंडफिल्स की यू नो है, वहाँ पे काफ़ी की कंस्ट्रक्शन हो पाई है, सैनिटरी लैंडफिल्स बहुत कम सिटीज़ में है। फिर देखते हैं इंसिनरेशन प्लांट्स। तो ये जो वेस्ट होता है, हम देखते हैं जो कुछ लोग अपना कचरा लाते हैं और एक तरह से उसे जला देते हैं, तो एक इंसिनरेशन भी वही है। तो ऐसी जगह होती है फर्नेसेस, वहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, फर्नेस होते हैं, वहाँ पे जो सॉलिड वो वेस्ट को लाया जाता है, उसे जला दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे, राइट, उसी को इंसिनरेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है वो जल जाता है और उससे ऐश प्रोड्यूस होती है, राइट। फिर बर्निंग गारबेज, ये एक क्लीन प्रोसेस नहीं है ऑब्वियसली, इससे क्योंकि ये ऑलरेडी कचरा है और उसे जला रहे हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, राइट। तो जो टॉक्सिक एशेज हैं उससे एयर और वाटर दोनों पल्यूट होते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट इज़ बर्नड हियर एंड कैन बी रिकवर्ड एंड रिसाइकल्ड, राइट। तो जो बहुत सारे जो वेस्ट होता है उसे बर्न किया जाता है, उसे रिकवर कर सकते हैं और उसे आगे जाके रिसाइकल भी किया जा सकता है। तो एट प्रेजेंट इंसिनरेशन इसे एक लास्ट रिजॉर्ट पे यूज़ किया, मतलब इंसिनरेशन तभी यूज़ किया जाए जब और कोई मेथड ना बचा हो डिस्पोज ऑफ करने का, राइट, इंसिनरेशन, क्योंकि ये ऑब्वियस रीज़न है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है और भी तरह के टॉक्सिक गैसेस निकालता है, एशेज निकालता है, और इसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखा गया है फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वेस्ट, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। फिर देखते हैं पायरोलिसिस। ये पायरोलिसिस एक मेथड है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर बहुत कम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एक मटेरियल को जलाया जाता है, राइट, इसे पायरोलिसिस कहते हैं। ये इंसिनरेशन का एक अल्टरनेटिव है, एक इंसिनरेशन का एक विकल्प है। तो इसमें क्या होता है, गैस और लिक्विड जो भी ऑब्टेन होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एज फ्यूल्स, राइट। फिर देखते हैं पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेशियस वेस्ट, जैसे कि कार्बोनेशियस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, फायरवुड, कोकोनट, पाम वेस्ट, कॉर्न स्वॉब्स, कॉर्न कॉम्स, कैश्यू शेल्स, राइट, जो कैश्यू के जो छिलके होते हैं, राइस हस्क, पैडी स्ट्रॉ, सॉडस्ट, इनमें से चारकोल निकलता है, राइट, और उसमें और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड फ्यूल गैस। तो इन्हें फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, राइट, पायरोलिसिस। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा होगा, राइट, ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है, राइट। तो कंपोस्टिंग ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली फंजाई और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर उससे हमस लाइक सब्सटेंस बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जो हम लोग एक गड्ढा खोदते हैं उसमें ऐसी चीज़ें, प्लास्टिक नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि जैसे हमारे किचन का वेस्ट होता है, छिलके हो गए, राइट, यहाँ पे जो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, उन सबको उसमें डाल दिया जाता है जो कि आगे जाके सड़ जाएंगे और फिर उसे एज खाद की तरह पे हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे वेस्ट को ऐसे इन ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ किया जाता है और उन्हें फ्यूल के उनके और उन्हें यूज़ किया जाता है, राइट। यहाँ पे ये बताया गया, तो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है वो सॉइल की तरह दिखता है, राइट, फिनिश प्रोडक्ट सॉइल की तरह दिखता है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन में उसमें कार्बन और नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो एक बहुत अच्छा मीडियम होता है किसके लिए, प्लांट्स उगाने के लिए, राइट, जिसे खाद कहते हैं, राइट, ये नेचुरल खाद होती है, नेचुरल मैन्योर होता है। फिर इससे जो सॉइल की एबिलिटी होती है पानी होल्ड करने की वो बढ़ जाती है, इसे आसानी से इसे कल्टीवेट किया जा सकता है, राइट, और इससे जो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें रिटेन किया जा सकता है, इट रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स एंड रिटर्न देम बैक टू द सॉइल, राइट। फिर बाद में फिर देखते हैं, ये अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लीन, चीप, सेफ, कंपोस्टिंग कैन बी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल गारबेज। देखिए, जो क्योंकि ये इतना क्लीन मेथड है, इसमें किसी भी तरह का फ्यूल मतलब नहीं लग रहा है, इसमें किसी तरह का वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, उल्टा वेस्ट को यूज़ किया जा रहा है, तो ये काफ़ी क्लीन, चीप और सेफ मेथड है, राइट, वेस्ट डिस्पोजल का। फिर देखते हैं वर्मी कल्चर। इसमें क्या होता है, जो अर्थवर्म होते हैं उसकी फार्मिंग होती है, इसे अर्थवर्म फार्मिंग भी कहते हैं।
अर्थवॉर्म को कंपोस्ट में ऐड किया जाता है। तो फिर ये जो अर्थवॉर्म होते हैं इस वेस्ट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और जो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटा होता है वो भी काफ़ी रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, राइट। तो इस तरह से वर्मी कल्चर किया जाता है। और फिर एक आता है जो 4 R's के बारे में हमने पढ़ा था, उसे भी अडॉप्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है वेस्ट डिस्पोजल के लिए। फिर आता है वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स, ये एक इस पार्ट का लास्ट वो है, राइट, वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स, राइट। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स क्या करता है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं, राइट, यहाँ पे वेस्ट मिनिमाइजेशन के लिए ये काम करता है, स्पेशली इन देयर इंडस्ट्रियल प्लांट्स, राइट। तो वेस्ट को किस तरह से कम किया जा सके, फिर इसे असिस्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक और जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, राइट, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वो इसके नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे काम कर रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे NPC नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसके द्वारा असिस्ट किया जा रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में है, राइट। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम ये है कि जो पॉलिसी वेस्ट जनरेशन, राइट, जो अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम किया जाए, राइट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू ये जहाँ पे यह दिया गया है अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992, इसके हिसाब से पॉलिसी स्टेटमेंट्स बनाए जाए, ये इसका उसके जो पॉलिसी स्टेटमेंट यही उसका ध्येय है, राइट, ऑब्जेक्टिव है। विच स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शुड एजुकेट चिल्ड्रन सिटीजन एंड अबाउट इन्वायरमेंटल रिस्क, द इकोनॉमिक एंड हेल्थ डेंजर्स ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड द रियल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए अवेयरनेस का ही खेल है ये, अवेयरनेस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो सिटीजन्स हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स यानी या फिर गवर्नमेंट एजुकेट करें जो उससे क्या क्या इन्वायरमेंटल रिस्क हो रहे हैं, राइट, उसके इकोनॉमिक और हेल्थ डेंजर्स क्या क्या हैं रिसोर्स के डिग्रेडेशन के, और रियल इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है उन नेचुरल रिसोर्सेज का, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, राइट, तो उसका कॉस्ट क्या है, आगे जाके किस तरह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इस बारे में उसे सिटीजन्स को एजुकेट किया जाए। फिर द पॉलिसी ऑल्सो रिकग्नाइजेज दैट सिटीजन्स एंड NGOs, राइट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो सिटीजन्स हैं और NGOs हैं ये काफ़ी हद तक इस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में वो हेल्प कर सकते हैं, राइट, और इनेबलिंग देम टू सप्लीमेंट द रेगुलेटरी सिस्टम। तो इन्हें भी रेगुलेटरी सिस्टम का एक तरह से पार्ट बनाया जाए और उनके एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाए, राइट, उन्हें देखा जाए उनकी एक्सपर्टीज़ किस तरह से काम आती हैं, एंड सच वेयर सच एग्जिस्ट एंड वेयर देयर कमिटमेंट्स एंड विजिलेंस वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो उनके इसे कुल मिलाकर ये कह रहे हैं जो सिटीजन्स हैं और जो नॉन NGOs हैं उनका उन्हें उनके उनसे कंसल्ट किया जाए, उनके बारे में उनसे पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई एक तरह के मेथड है या फिर आपके पास कोई तरीका है इस वेस्ट को मिनिमाइज करने का, तो उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए और किस तरह से उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए उसके बारे में भी पता लगाना उनका काम है, राइट। तो ये है ऑब्जेक्टिव वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स का। तो इसके साथ ये पार्ट मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को या अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे होप करूँगी आप लोग आगे भी बने रहेंगे, आगे भी वीडियोस देखेंगे, इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, राइट, वाई शायद को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।